बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं मटर, आलू और चावल। इसके लिए हमने 1 kg राइस लिए हैं, 1/2 kg आलू हैं, 1/2 kg हमने मटर लिए हैं, हमने छील के दाने निकाल लिए, 3 अदर टमाटर हैं, 2 अदर प्याज हैं जिन्हें स्लाइस में काट लिया गया, घी है, कुछ खड़े मसाले हैं, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 2 तेज़पत्ते हैं, 7 से 8 लौंग हैं, 3 अदर छोटी इलायची हैं, 3 अदर बड़ी इलायची हैं, 1/2 टीस्पून साबुत काली मिर्च है, 2 अदर लेमन है, 1 टीस्पून हल्दी, 4 अदर सब्ज मिर्चें और 2 टेबल स्पून है अदरक लहसुन का पेस्ट, पुदीना और धनिया है। इसके बाद 2 टेबल स्पून सॉल्ट है और मिक्स सुर्ख मिर्च। कढ़ाई में 100 ग्राम घी शामिल करना है। घी हमारा गर्म हो चुका है, प्याज शामिल कर लेते हैं। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, तो पानी लगाना। उसके बाद खड़े मसाले शामिल कर लेते हैं, 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेते साथ प्याज के। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेते हैं। सुर्ख मिर्च, हल्दी, सॉल्ट, टमाटर, टमाटर हमारे साफ कर चुके हैं। उसके बाद आलू शामिल कर देते हैं। उसके बाद मटर शामिल कर लेते हैं। और डाल लेते हैं। आलू भी हमारे गल चुके हैं और मटर भी। पानी शामिल कर लेते हैं। 1 kg राइस थे और 2 kg तकरीबन पानी शामिल करना। बॉयल आने तक कवर लगा के छोड़ दें। कवर हटा लेते हैं। पानी को बॉयल आ गया तो इसमें चावल शामिल करते हैं। हल्के हाथ से मिक्स कर लेना।
लेमन का रस शामिल कर लेना। सब्ज़ मिर्च, इस मौके पे नमक चेक कर लेते हैं। धनिया शामिल कर लेते हैं, धनिया और पुदीना। करीबन 90% पानी ड्राई हो चुका है, दम लगा देंगे इसके अंदर। कवर लगा दो तो प्लेन दम वाला कर दें, स्लो फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और कवर उठा हल्के हाथ से मिक्स करना एक दो बार। इसके बाद 2 मिनट के लिए छोड़ देना। चावल हमारे खीर के लिए रेडी हैं। डिश आउट कर लेते हैं। हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में गाइड करें।